मुरादाबाद पहुंचे हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अयोध्या मंदिर पर चल रहे विवाद पर बोलते हुए श्री श्री रविशंकर और मुस्लिम नेताओं पर जमकर हमला बोला। वो आज मुरादाबाद आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। मुरादाबाद में चल रहे विशाल हिंदू महासम्मेलन एवं सत्संग में भाग लेने के लिए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी बोधनंद गिरी महाराज ने मंच से पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यप्रणाली को सही ठहराया और जब उनसे अयोध्या प्रकरण में श्री श्री रविशंकर द्वारा की जा रही मध्यस्थता और 20 करोड़ की पेशकश पर पूछा गया तो उनका कहना था कि श्री श्री के लिए 20 करोड़ तो बहुत कम है, वो सारी संपत्ति देकर भी राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करा दे तो मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन ये केवल स्टंटबाजी है। दोनों लोग नाटक कंपनी में सम्मिलित हैं, इनको राम जन्मभूमि से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना पॉलिटिकल स्टंट है। राम जन्मभूमि केवल कोर्ट के माध्यम से ही संभव है। केंद्र सरकार चाहे तो जल्दी से कोई कानून लगाकर मंदिर का निर्माण कराए, तभी जाकर दोनों पक्षों को कानून का सम्मान करना पड़ेगा। पर अयोध्या में दीपावली मन भाई यह बताई कि मेरे राम आए थे और किसी मुख्यमंत्री ने साहस नहीं किया, आप हिंदुत्व का आप क्या जवाब लेंगे? आप आज हिंदुओं का पर हमला करने वाले गुंडे दिखाई नहीं देते दूर दूर तक। एक दो जगह उन गुंडों ने प्रयास किया था तो योगी जी ने उनके अगल ठिकाने लगा दिए। और आज मैं पूछना चाह रहा हूँ, दो तीन दिन से अयोध्या प्रकरण बहुत ज्यादा हाईलाइट है, नए नए गंडे, कल उसमें बात चल रही थी कि कुछ एक पक्ष को पैसा लेकर के खरीदा जा रहा है, आपका एक पक्ष माने किसी पक्ष को जो सुन्नी पक्ष है या जो साफ आपको हमसे साफ साफ हम जवाब देंगे, साफ साफ बोलो आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक मुस्लिम नेता ने कहा, मुस्लिम नेता ने कहा ये कहा कि 20 करोड़ रुपए का ऑफर आ रहा है किनके लिए? श्री श्री जी की तरफ से। मुस्लिम नेता ने कहा तो 20 करोड़ का अगर ऑफर श्री श्री रविशंकर जी दे रहे हैं तो अगर 20 करोड़ क्या वो सारी संपत्ति दे दे, 20 करोड़ तो उनके पास बहुत कम है, और राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त कर दे तो सबसे पहले मैं रविशंकर का स्वागत करूंगा, लेकिन स्टंटबाजी है, ये केवल नाटक है उनका। आप आए नहीं दो दिन से आए हो, ये केवल उनका नाटक है। वो मुसलमान कहने वाला भी नाटक कंपनी में सम्मिलित है और रविशंकर जी भी नाटक कंपनी में सम्मिलित है। इनको राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से कोई लेना देना नहीं है, केवल ये पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीतिक ड्रामेबाजी है। कैसा जो पूरा जो चल रहा है प्रकरण उसका अपने उस नजरे से कैसा मानते हैं, कैसे हल होगा ये समस्या, कैसे हल होगी ये समस्या? कोई एक व्यक्ति हल नहीं कर सकता, कानून के सवाल जानने वाले सब जानते हैं, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी राम मंदिर निर्माण के लिए डिसीजन दे, सरकार चाहती तो यह काम कर सकती थी, सरकार को रोज सुनवाई करके केंद्र सरकार का काम है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको सुनवाई करने के लिए डे बाय डे केस को प्रारंभ कराना चाहिए था, सुनवाई करा करके उसका डिसीजन लेना चाहिए था। एक रास्ता यह, सरकार ने अब तक यह काम किया है। दूसरा रास्ता यह है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से कानून लाए और कानून ला करके बाहर राम मंदिर निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करे। भारत सरकार अगर कानून पास करती है तो उस कानून को सबका पालन करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी उस कानून का पालन करना पड़ेगा। दो रास्ते हैं, बाकी सब ड्रामेबाजी है। पालन कराना था कड़ाई के साथ, बल्कि और काम कर दिया। उस दिन से तो मैं, जिस दिन मोदी जी ने यह कहा कि गौ रक्षक भक्षक हो गए हैं, गौ रक्षक कौन है, हिंदू है।